Okay then, नमस्ते मैं हूं स्वागत है आपका इस नए सेशन में ऑन एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर टू ऑफ सी ऑफ न्यू सिलेबस क्या बोलता है पब्लिक आई यू ऑलरेडी तो आज के बाद इसको ए एफ एम का नाम देंगे सो so इसी का छोटा भाई था एस एफ एम जो आपके इसके पहले वाले सिलेबस में था अब इसका नाम कर दिया है ए एफ एम So, so, फी डिटेल uh, में पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में एंड लेट मी टेल यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दैट यू आर गोइंग टू फेस इन योर सी ए फाइनल सो क्या है ये ए एफ एम कौन है ये जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है और इंश्योर करने वाला है कि बॉस अगर आपने दोनों ग्रुप दिया देन इन दैट केस दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर पता है क्यों एफ बिकॉज दिस इज वन सब्जेक्ट जहां पे आप 65, 75, 80, यस इवन इन सीए फाइनल यू कैन एम फॉर द मैक्सिमम मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट मतलब ये तो आज है ना मेरा फर्स्ट लेक्चर है मेरे से आप लिख के ले लो ध्यान रखना मेरी ये बात छ के छह सब्जेक्ट में से हाइएस्ट मार्क्स आपको जो सब्जेक्ट में आने वाला है ना वो आज आपका स्टार्ट हो चुका है मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस और दावे के साथ बोल सकता हूं और आप लोग ये चीज प्रूव करके दिखाओगे पता है कब जब आपका रिजल्ट आएगा याद रखोगे ना मेरा ये वर्ड ठीक है सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चलो सर अब इतना आपने अगर आ, बोलते हैं ना जोश भर दिया है आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि छह में से सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें आने वाला है तो बस फिर सर देरी किस बात की देन वी नीड टू गेट स्टार्ट बट कौन पढ़ाने वाला है आपको ये सब्जेक्ट कौन है ये लोग कहां से आते हैं सो so, मैं बता देता हूं मैं हूं सी ए संकल्प कांस्टिया चार्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये सब्जेक्ट सो so, थोड़ी बातें मेरे बारे में मेरे इस जर्नी के बारे में एंड देन आई विल टेल यू ऑल दैट हाउ आई एम गोइंग टू लिंक दिस सब्जेक्ट विद द प्रैक्टिकल वर्ल्ड विद द थियोरिटिकल वर्ल्ड एंड कैसे इसको स्टडीज में अपन लोग एंजॉय करते करते मजे के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे क्या बोलता है पब्लिक क्या आप तैयार है तो चलो यार शुभकामनाएं देरी किस बात की नाउ माय नेम जैसा मैंने बोला एस संकल्प कांस्टिया मैं बॉर्न एंड ब्रॉडअप इन बॉम्बे सो आई एम आई एम फ्रॉम प्रॉपरली फ्रॉम मुंबई आई हैव स्टडीड माय ग्रेजुएशन आई डिड फ्रॉम एनएम कॉलेज नरसी मुंजी कॉलेज तो चार्ट अकाउंटेंट ही बनना है इनफैक्ट मैं आपको बताऊ मैंने तो स्कूल टाइम पे ही सोच लिया था कि मुझे सी ए बनना है क्योंकि मेरे घर पे कुछ चार्टेड अकाउंटेंट है तो उनसे मैं ये बात काफी सुनता था वो लोग बहुत बोलते थे यार ये कोर्स तो बहुत डिफिकल्ट है यार ये कोर्स में तो पासिंग परसेंटेज हार्डली सिंगल डिजिट होता है यार ये कोर्स को तो ये कर लिया तो एकदम लाइफ सेट है तब उसी दिन मैंने ठान लिया था बॉस करना तो लाइफ में ऐसा ही कुछ है जो डिफिकल्ट हो यार आसान काम तो कोई भी कर सकता है लहरों के साथ तो कोई भी तैर सकता है असली तैरा की तो वो है ना जो उसके अगेंस्ट तैर के बताए है, है कि नहीं सो दैट दैट टाइम ओनली आई थॉट मतलब मैं एक अंदर ही आग लग गई थी कि यार ये कोर्स करके दिखाना है ठीक है अगर खाली हैंडफुल लोग इसको पास कर सकते हैं मतलब मेरा तो इंटरेस्ट ही इस कोर्स में इसलिए आया कि ये कोर्स का पासिंग परसेंटेज इतना लो है ठीक है लोग बोलते हैं सर सी नहीं करना है पासिंग परसेंटेज इतना लो है मैं बोल रहा हूं यार करना ही इसीलिए कि पासिंग परसेंटेज इतना लो है अगर हर कोई कर लेगा देन हाउ आर यू गोइंग टू स्टैंड आउट उड वॉट एस सो दर्स करना है और मैं तो चाहता ही था मेरे टाइम पे भी और मैं तो हमेशा चाहता हूं दैट द रिजल्ट शुड बी वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड आई सी ए आई शुड ऑलवेज कीप द रिजल्ट मैक्सिमम टू फिफ्टीन परसेंट मैक्सिमम उससे ज्यादा रिजल्ट देना ही नहीं चाहिए बॉस तब भी तब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का वैल्यू रहेगा एनीवेज यू मे डिसएग्री टू इट सर आप तो सीए बन गए हो ना तो आपके लिए बोलना आसान है बट ट्रस्ट मी इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इवन जब मैंने सीए स्टार्ट नहीं किया था तभी मुझे चाहिए था ये तो चैलेंजिंग होना ही चाहिए तब भी इसको पास करने में मजा आएगा एनीवेज एंड देन आई आई क्लियर माई चार्ट अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन एंड तुम लोग भी प्लीज यही एटीट्यूड स्टार्टिंग से रखो ठीक है no, नो रोना धोना दैट ओ दिस इज सो डिफिकल्ट पास करना मुश्किल है पास करना मुश्किल है दैट इज द रीजन आई एम हियर ओके

बट इट हैज बीन डिफिकल्ट मतलब आज भी सुबह साढ़े पांच बजे उठना है आज आपको भी उठना है मैं भी आज आपकी तरह साढ़े पांच बजे उठ रहा हूं मुझे भी रात को नौ दस बजे तक काम करते रहना है बट दैट वॉट थिंग आई चूज मतलब आई एम हैपी विद लाइफ इज डिफिकल्ट येस लाइफ इज गुड एंड हैपी एट द सेम टाइम ये ठीक है सो ऐसा मत सोचना कि सी ए बनने के बाद लाइफ इजी हो जाएगा लाइफ इजी नहीं होगा लाइफ डिफिकल्टी रहने वाला है बट It will be a happy, difficult life. ठीक है? Life easy किसी का भी नहीं होता है। You can go and ask a, a most successful person. You can ask का सचिन देवूलकर, एमएस धोनी और शाहरुख़ खान और नरेंद्र मोदी। Life is not easy for them also. Even though they are the most successful people, life is difficult for them. But it is happy, it is satisfying, it is fulfilling because they are doing what they wanted to. And yes, usime they, they are working hard. So, anyways, on that positive note, let's move on. So, mera CA complete kiya, graduation complete Kia. then I completed my CA Sati raha karata. So, many, mera C S ka exam dia and I cleared that also. And then, as a chartered accountant, the most important thing that all of us await for is what, what is that we await for a hefty salary. पैकेज है कि नहीं है कि नहीं मतलब यस रेपुटेशन नेम नेम के आगे सीए ऑल ऑफ दैट इज देयर मतलब वो तो भाई एकदम बाय डिफॉल्ट है ही uh, बट वो 10 15 दिन तक रहता है अपने साथ उसके बाद क्या उसके बाद आप क्या करने वाले हो लाइफ में दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो जिस दिन सीए का रिजल्ट आया ऑबवियसली द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड

बहुत कंफ्यूजन बट इवेंचुअली स्टार्टिंग में मैंने डिसाइड किया दैट आई शुड बिल्ड अ कैपिटल तो वो कैपिटल बिल्ड करना है क्योंकि मेरे को फ्रेंकली बोलता हूं कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दिल में बोल दिया था कि बॉस अपने को टीचिंग में ही जाना यार दैट्स दैट्स वेयर वेयर माय माय ड्रीम लाइज बट मैं सीधा टीचिंग में जाऊंगा तो आई वुड नॉट गेट एनी स्टूडेंट्स एट ऑल राइट सो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो पहले मैं जॉब करता हूं थोड़ा एक कैपिटल क्वेश्चनिंग जमा कर लेता हूं एंड देन प्रॉब्लली वी कैन ऑलवेज गेट बैक इन टू द टीचिंग फील्ड सो दैट इज वेयर मैंने सोचा अब जब एग्जाम के रिजल्ट के दस दिन हो गए थे कंप्लीट मैंने बोला चलो अब चालू करते हैं जॉब की तैयारी जॉब के लिए रिज्यूमे बनाया स्टार्टेड सेंडिंग एट सो मेनी प्लेसेस एंड आई गेट अ कॉल ऑन प्रोब्ली आई गेव सो नवंबर का रिजल्ट uh, आता है जनवरी मिड में सो जनवरी मिड में रिजल्ट आया ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी सिक्स जैन तक तो आई डोंट बिन रिमेंबर डे जब मैंने कुछ भी सोचा हो अदर दैन एंजॉइंग एंजॉइंग एंड एंजॉइंग बिकॉज दोन डेज वो वापस लाइफ में नहीं आने वाले सो आई आई थॉट दैट आई शुड गिव माई लाइफ द ट्रीट द इट डिजर्व तो वो दस दिन एंजॉय किया फिर बाद में एज यूजल रियालिटी बाइट्स एंड अब घर वाले भी बोलते हैं चल भाई अब क्या जॉब क्या कितना पैसा कमाने वाला है ऑल ऑफ दैट हैपेंस एंड यू आल्सो स्टार्ट फीलिंग दैट यस यार अब कुछ अच्छा करके दिखाना है पैसा कमाना है एंड दैट इज वे आई आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्लेसेस जैसा आप सबको पता है कि आप सीए बन जाओगे ना तो एक जगह से तो आपको गारंटीड कॉल आएगा ही आएगा एनी गेसेस एंड दैट इज बिग फोर बिग फोर ऑलवेज वेलकमिंग तो बिग फोर से कॉल आना चालू हुआ बट आई वॉन्टेड टू वेट आई वॉन्टेड इंडस्ट्री से भी कॉल आए तो अच्छा है एंड वन फाइंड दे आई गॉट अ कॉल प्रॉब्लली इन द फर्स्ट वीक ऑफ फेब और सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम नाइन्थ फेब को मेरे को कॉल आया था मेरे को डेट भी याद है आई थोड़े टाइम बाद आपको रीजन भी बताऊंगा क्यों मेरे को यह डेट याद है नाइन्थ फेब को मेरे को फर्स्ट कॉल आया फ्रॉम जेपी मॉगन एंड वहां से मुझे बोला कि सर यू हैव बिन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू वुड यू बी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस टूमोरो इंटरव्यू मैंने बोला भाई ऐसा मत पूछ वुड यू बी इंटरेस्टेड इट वुड बी माई ड्रीम टू इवन हैव एन इंटरव्यू विदनी लाइक योर जेपी मॉगन अगर आप लोग ने सुना होगा तो इट इज वर्ल्ड बिगेस्ट यू कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी ठीक है सो so, मैं बोला बॉस लाइफ सेट होने वाला है अब तैयारी करना चालू कर दो सो दे हैड कॉल्ड मी फॉर इंटरव्यू आफ्टर डेज सो फेब के आसपास मेरे को कॉल किया था उन्होंने उन्होंने इंटरव्यू के लिए आने को बोला सो आई प्रिपेयरिंग सेल्फ मैं बोला बॉस यस दिस इज द टाइम ठीक है उनके असेट मैनेजमेंट के लिए उनको कोई चाहिए था असेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ड्यू ड्यूटेलिजेंस टीम के लिए तो उसमें आईबी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वो सब का भी थोड़ा पार्ट रहता है सो so, मैं तो सुपर एक्साइटेड था ठीक है मैं बोला कि यार सही है यही तो चाहिए था इसी इसी, इसी चीज इसी दिन का तो इंतजार था अब वो पांच हजार के स्टाइपेंट से फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ का सफर अब शुरू होने वाला है ठीक है सो जब आपको स्टाइपेंट मिलता है यू आर वर्किंग स्टिल एट द सेम टाइम फॉर नाइन टू टेन आवर्स बट कहीं ना कहीं एक विजन होता है यार ये फाइव थाउजेंड के लिए मैं आज इसलिए काम कर रहा हूं बिकॉज आने वाले कुछ टाइम में ये फाइव थाउजेंड मेरा मिनिमम फिफ्टी थाउजेंड इनफैक्ट मिनिमम वन लाख भी बन जाएगा एंड उसी ड्रीम के साथ मैंने अपना जर्नी uh, स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू राउंड हुआ एच के साथ ठीक है सो एच राउंड था मेरा इट वॉज अ वेरी गुड राउंड मतलब मजा आ गया वो राउंड में हम लोग ने जो एंजॉय किया है क्योंकि एच है ना दे आर गुड पीपल सो so, वो आपको आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछता है वो इन जनरल इधर उधर की बातें करता है क्यों किया सीए, एन ऑल ऑफ दैट सो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड वॉज विद सीनियर एच ही ट्राइज टू गेट अ लिटिल टेक्निकली बिहेवियरली वो आपको समझने की कोशिश करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है कि अगर समझो कोई इश्यू आ गया तो आप उसको कैसे फेस करेगी यू नो अगर एक सीनियर एच होगा ना वो दो चीज देखेगा कि आप कैसे सिचुएशंस को रिस्पोंड करने वाले सो ही इज गोइंग टू टेस्ट यू देयर सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट इन आंसरिंग द सीनियर एचआर थैंकफुली मेरा वो राउंड भी अच्छा गया एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड व्हिच वाज माय टेक्निकल राउंड जी हां अब फर्स्ट दो राउंड 11th फेब को हुए दे वेरी गुड एंड देन उन्होंने बोला कि यस योर फर्स्ट टू राउंड्स आर क्लियर

जॉब मिल जाएगा मतलब मैंने तो घर पे जाके सीधा बोल दिया यस आई विल गेट द जॉब फॉर श्योर घर पे भी एकदम खुशी बट लाइफ हैड सम ट्विस्ट एंड टर्न्स लिसन टू इट सो मैं मैं गया घर पे बोला कि चलो कल मेरा टेक्निकल राउंड है वो हो जाएगा उसके बाद मेरे को ऑफर लेटर मिल जाएगा नेक्स्ट डे में गया एंड आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट में मैं ज्वाइन होने वाला था

मैं ठीक है भाई all set. थोड़ा सा नर्वस हुआ वो पे उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो अपने ही से था अदर एचआर सो गुड पैनल वाज सिटिंग टू टेक माय इंटरव्यू अब उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आपका सीवी उन्होंने जो मेरा रिज्यूमे देखा दे वर वेरी इंप्रेस विद माई सी जी Uh, no uh, स्पोर्ट्स uh, uh, में, में भी थोड़ा इंटरेस्ट था लाइक प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट एंड बैडमिंटन टेबल टेनिस सो देर वेरी इंप्रेस बोला यार क्या बंदा है तू तो यार मैं मनी मन में एक बोला बॉस अब तो अपना

क्लियर ठीक है माई कॉलर वॉज अप एंड आई वॉज ऑल सेट टू यू नो टेक द पैकेज ऑफ टेन टू ट्वेल्व लैक्स और वो भी आज से दस साल पहले दस से बारह लाख का पैकेज तो वॉज पॉस नथिंग लेस देन अ ड्रीम यार मतलब मजा आ गया तो आई वॉज लाइक यस सर थैंक यू फिर उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछना चालू किया उन्होंने मुझे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि मिस्टर संकल्प वी आर वेरी इंप्रेस्ड विद योर रिज्यूमे लेट अस स्टार्ट द टेक्निकल राउंड आई एम ऑल सेट समझ रहे हो कॉलर अप आई एम ऑन क्लाउड नाइन आई कैन लिटरलीमेम्बर ने बोला हैप्पी विद यूमेट एंड लेट्स स्टार्ट विदरव्यू टेक्निकल इंटरव्यू प्रोसेस दे फर्स्ट आज मी दैट ओके सो

उसको टाइम नहीं लगता है ओवर कॉन्फिडेंट होने में आप मानते हो कि नहीं कभी कभी कुछ चीजों के लिए आपको भी कॉन्फिडेंट आया होगा तो इज अ लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस मैं कॉन्फिडेंस तक था बट जब उन्होंने मुझे ये बोला ना यार मिस्टर संकल वी आर वेरी हैप्पी विद योर सीवी एंड यू लुक वेरी कॉन्फिडेंट एंड वी मे हायर यू एंड ऑल ऑफ दैट तो वो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना वो इधर पहुंच गया और वो ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने ओवर चीजें बोल दी सर

सुनने में आता था कि अरे वो है ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है उसको पचास लाख का पैकेज लग गया वो एसेट मैनेजमेंट टीम में उसको पच्चीस लाख का पैकेज लग गया मैं तो मैं बोला मैं भी ये सब यूज यूज करता हूं, यूज करने में क्या अपना जाता है बट यूज करूंगा तो हो सकता है कि यार कहीं पे अपने को भी कुछ पैकेज मिल जाए तो अपना भी काम सेट हो जाए है कि नहीं सो आई वेंट अहेड विद दैट मैं बोला कि यार चलो बोलते हैं ये सब बड़ा बड़ा वर्ड यूज करते हैं देखा जाएगा जो भी होगा तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा ओके मिस्टर संकल्प टेल अस द टॉप थ्री इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एमएनए डील्स दैट है लास्ट सिक्स मंथ्स। क्या पूछा टॉप थ्री इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशन डील्स दैट हैव हैपेंड इन द लास्ट सिक्स मंथ्स बोला सर सॉरी यस सर प्लीज टेल अस द आंसर अब आप मेरे को बताओ आप वो एक फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट ठीक है क्या आपको ये कहीं पे भी मॉड्यूल में या कहीं पे भी आपके सजेस्टेड आंसर्स आरटीपी एमटीपी में कहीं पे भी ये लिखा हुआ होता है क्या कि टॉप थ्री इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स वो भी लास्ट छह महीने में कौन सा हुआ है अब अपन तो यार मॉड्यूल और ये सब पढ़ के पास हुए हैं बराबर है तो मैंने वो क्वेश्चन सुना बट बोला सर आई डोंट नो मतलब आपको क्या लगता है मेरे पास उसका आंसर था कि नहीं था टेलमी मतलब मैंने थोड़ा सा ब्लफ मारने का स्टार्ट किया बट बोलते हैं ना जब आदमी ब्लफ मारता है ना सो ही स्टार्ट पम्बलिंग सर सर एंड आई वॉज नॉट एबल टू आंसर ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन वो भी टू अ चार्ट अकाउंटेंट फ्रेश चार्ट अकाउंटेंट यार बेचारा खाली मॉड्यूल और ये सब पढ़ के पास हुआ है तुम तो उसको ये सब क्या पूछ रहे हो सिक्स टॉप इन थ्री टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स इन द लास्ट सिक्स मंथ्स एंड ऑल ऑफ दैट बोला सर आई हैव नो क्लू सर

बॉल पार्क ऑफ द डील दैट है सेक्टर ग्लोबली क्या लगता है आपको इसका आंसर मेरे को पता होगा या नहीं होगा कौन गाइज टाइप एंड टेलमी लग रहा है आपको आंसर मुझे पता होगा एम एन ए डील्स मर्जर्स एंड एक्विजीशन डील्स का बॉल पार्क फिगर अरे भाई पहले तो टॉप थ्री डील्स पूछा वो मुझे नहीं आया फिर पूछता है बॉल पार्क मुझे ये वर्ड बॉल पार्क का मतलब ही नहीं पता है उसका आंसर देना तो छोड़ो उस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत दूर का बात है उस क्वेश्चन के अंदर जो मेन वर्ड है उसका भी मतलब मेरे को नहीं पता है तो मैं कहां से आंसर दूंगा ये देखो ये देखो रिंकू रिंकी जी बोलती है नहीं सर यू विल नॉट बी एबल टू आंसर मेघना सेज नो मानसी सेज नो दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव इन योर सर दिस नॉट बी एबल टू आंसर

lead running managers of m &A deals. book lead running managers of the m &A deals. tell us the merchant bankers of these m &A deals. do you feel i will be able to answer the answer? i was not even having a clue. Ye kya pooch book lead running managers, merchant bankers, boss, to a fresh chartered accountant like seriously? literally? literally? आई वॉज स्वेटिंग यस ऐसा हालत था मेरा ठीक है ये जो कॉलर इतना ऊपर चढ़ाया था ना ये कॉलर ऑटोमेटिकली नीचे हो गया मतलब लिटरली मेरा दिल बोल रहा था संकल्प प्लीज यहां से निकल संकल्प प्लीज यहां से निकल तू सीरियसली चार्ट अकाउंटेंट है क्या लग नहीं रहा है मतलब आई वॉज ट्रैस्ड इन माई फर्स्ट थ्री क्वेश्चन एंड एंड यही बंदा जो बहुत कॉन्फिडेंट था ओवर कॉन्फिडेंट हुआ अब कहा गया है पता है अब ऑलमोस्ट डिप्रेशन की स्टेज पे जा रहा है घुस गया वो अंदर घुस गया है पांच मिनट पहले तक मुझे लग रहा था दस बारह लाख का पैकेज डिमांड करूंगा आज तीन क्वेश्चन अभी मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूं एंड आई वॉज मतलब शॉक मैं क्या बोलू मैं उसको लिटरली मेरे मन में बोल रहा था बोल रहा था कि बोल दू सर कैन आई लीव आई हैव नो है वॉट इज गोइंग ऑन बट ठीक है मैं बोला क्या कबूलू यार चल रहा है चलने दो फिर वो जो सीनियर एच था ना मैंने बोला ना उनके साथ बहुत अच्छा अपना अच्छा ट्यूनिंग होता है वो सीनियर एचआर ने बोला संकल्प काम डाउन इट्स ओके नो प्रॉब्लम यू आर नॉट एबल टू आंसर थ्री क्वेश्चन जरूरी था क्या कि यू आर नॉट एबल टू आंसर थ्री क्वेश्चन बार बार दिमाग में वो चीज हिट करने लग वो टाइम पे एंड आई स्वेर ऑन ईच वन ऑफ यू दिस इज अ ट्रू स्टोरी आई वॉज नॉट नॉट एबल टू आंसर मैं अपना क्यू बैंड बजाऊंगा ठीक है सो आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दो थ्री क्वेश्चन एच आर बोला कि ठीक है कोई बात नहीं वी लास्ट फ्यू क्वेश्चन इंटरव्यू उसको भी समझ गया कि बस इसका कुछ होने वाला है नहीं इधर ये लोग ने तो इसको खोल दिया है धागा खोल दिया है इतना तो ठीक है फिर उन्होंने वापस से मेरा सीवी गो थ्रू किया और उन्होंने बोला ओके मिस्टर संकल्प यू आर नॉट एबल टू आंसर आर टिपिकल क्वेश्चन अबाउट योर हॉबीज एंड एवरीथिंग मैं बोला हाश कुछ तो ऐसा चीज पूछा जिसके बारे में मुझे जवाब पता है और वो भी मेरे ही सीवी से पूछा है इसलिए शायद मुझे पता है मैं बोला यस सर सर आई 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 लव लव टू म्यूजिक रीडिंग बुक्स अब जब आप आप सीवी सीवी बनाते हो तो आप सीवी किसी और का कॉपी पेस्ट कर लेते हो तो उसमें भी जो लिखा होता है हॉबीज अपने में भी कॉपी हो ही जाता है है कि नहीं मेरा भी वही केस था कोइंसिडेंटली उन्होंने जो पूछा और जो उधर लिखा था उधर तीन चीज लिखा था लिस्निंग टू म्यूजिक रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग क्रिकेट ये तीनों चीज को मेरा हॉबी भी था बट मैंने तो मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने तो वो मेरा सीवी गोथ्रू भी नहीं किया था ढंग से तो ये तीन चीज उसने पूछा ओ रीडिंग बुक्स बुक्स टेल अस द फ्यू दैट यू हैव रेड तो मैंने उनको बताना चालू किया और जेनवेली मैंने रीड किया था उस बुक के ऊपर अभी आज की तारीख में एक मूवी भी बन चुका है एनी बड़ी एनी गेसेस कौन सा बुक मैंने रीड किया था जिसका मैंने उनको जवाब दिया मैं यस सर रिसेंटली आई हैव रेड दैट बुक इंसिडेंटली उसका भी एक मूवी भी बन चुका है बोलो बोलो चल चल एनी आइडिया किरण इज लाफिंग एट मी अरे बॉस लाइफ वॉज लाफिंग एट मी एट दैट पॉइंट इन टाइम चलो बोलो गेस गेस दैट बुक विच आई वुड हैव रेड जो मैंने उनको बोला

So I told them, मैंने उनको बोला एक दो बुक्स का नाम दिया तो उन्होंने मुझे क्या बोला पता है क्या ओके गिव अस दू स्टेट इन टू मिनट्स एंड यू विल नॉट बिलीव मैंने एक्चुअली दो मिनट में पूरा का पूरा टू स्टेट का स्टोरी वो लोग को सुना दिया पंजाबी बॉय टैमिलियन गर्ल एट आई आई एम गेट इन लव एंड ऑल ऑफ दैट देर वेरी हैप्पी दे आर लाइक ओके चलो गुड यू आर एटलीस्ट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन मतलब मुझे समझ में नहीं आया मेरा इंसल्ट कर रहे हैं वो लोग या फिर मेरा पॉजिटिव चीज बोल रहे हैं बोला यस सर थोड़ा मुझे भी ठीक अच्छा लगा कि हाँ चलो कुछ तो दे पाया जवाब अदरवाइज वन वे ट्रैफिक था फिर दे आस्क दे वापस से उन्होंने रीड किया उन्होंने बोला बट संकल्प यू टोल्ड योर पैशन इज मर्जर्स एंड एक्विजीशन एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यस अच्छा यस सर ये सर इट इज माई पैशन सर ठीक है भाई दस बारह लाख का पैकेज चाहिए तो बोलना तो पड़ेगा ही बोला ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड फिर उन्होंने वापस से सीवी को गोत्रु किया उन्होंने बोला कि योर हॉबीज इज ऑल्सो प्लेइंग क्रिकेट लाइक का so, उन्होंने कि, suppose, Sankar, अगर, suppose, एक बॉलर ने बॉल डाला ठीक है बैट्समैन से मिस हो गया वो बॉल कीपर से भी मिस हो गया और कीपर के पीछे हेलमेट रखा है वो हेलमेट को जाके लगा तो कितना रन मिलेगा इमिजिएटली उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा एंड माई आंसर वॉज दिया बिकॉज मेरे को आंसर पता था yes, ने बॉल डाला बैट्समैन से छूट गया और पीछे हेलमेट को लगता है ना तो पांच रन मिलता है ना आई न्यू द आंसर उन्होंने बोला अच्छा सो क्विकली यू हैव आंसर्ड वेरी गुड मिस्टर संकल्प बट इफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मर्जर वॉज योअर पैशन तो उसका आंसर आप इतना इमीजिएटली देते आपने क्रिकेट के क्वेश्चन का आंसर इतना इमीजिएटली दिया है सो व्हाट इज योर पैशन मिस्टर संकल्प इज क्रिकेट योर पैशन और मर्जर्स एंड एक्विजीशन एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज योर पैशन ओ आई लाइक बॉस आंसर दो तो भी अच्छा तो भी बुरा आंसर नहीं दो तो भी बुरा मतलब द आंसर टू इज काउंटर अटैकिंग मी अरे यार व्हाट इज दिस यू आर नॉट हियर टू गिव एन इंटरव्यू फॉर क्रिकेट जो चल रहा है, चलने दो बस ये ये जो मेरा इंटरव्यू है ये तो मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूं फाइव क्वेश्चन उसमें से थ्री टेक्निकल क्वेश्चन आई वॉज नॉट एबल टू आंसर टू क्वेश्चन टू मच कंफ्यूजन इन लाइफ बॉस आई वॉन्टेड टू लीव फ्रॉम देर मैं बोला इधर नहीं रहना है ये इंटरव्यू नहीं दे पा रहा हूं मैं मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है वॉट आई वॉन्ट अगेन एच आर वाला आया बोला वेल डन मिस्टर संकल्प एटलीस्ट यू आरबल टू आंसर टू क्वेश्चन ऑन योर हॉबीज बोला ठीक है बजा दे भाई बजा दे फिर उन्होंने बोला कि ओके लेट्स कंटिन्यू विद आर टेक्निकल सेशंस मैं बोला मतलब वापस अब मैं रोस्ट होने वाला हूं बट दिस टाइम दिस टाइम ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट यू नो ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज मी फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्वेंटी टू इट हैज़ ऑल बिकम इंडेस बट हमारे टाइम पे एएस होता था एएस एस ट्वेंटी टू के ऊपर क्वेश्चन पूछा था ए एस ट्वेंटी टू इज अबाउट लाइबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन क्या लगता है आपको जब मुझे ने मुझे ए 22 डिफर टैक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो क्या मैंने जवाब दिया होगा आई गेव दंसर ऑन द स्पॉट आई टोल्ड दस येस सर आई नो द आंसर थरली पूरा एक एक चीज का इन डेप्थ आंसर दिया था क्योंकि सीए तो यही सब पढ़ के पास हुए ना ये तो वही मॉड्यूल और वही सब पढ़ के पास हुए एंड आई वाज एबल टू आंसर यस फिर बाद में उन्होंने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रिलेटेड टू पीजी बीपी एंड कैपिटल गेन्स प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन्स आई वॉज एबल टू आंसर दैट वेरी करेक्टली बस वही तो मॉड्यूल और वो सब पढ़ के पास हुए फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड थोड़ा बहुत उन्होंने क्वेश्चन पूछा स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड एंड आई वाज एबल टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चन एब्सल्यूटली करेक्टली जो भी उन्होंने बुकेश वाला क्वेश्चन पूछा मैंने बोला ओके गुड यू मे लीव हो गया उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा आई वॉज एबल टू आंसर यू मे लीव इमीजिएटली

फिर मैंने बोला नहीं मेरा इंटरव्यू बहुत खराब हुआ है और अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और कहीं ना कहीं मुझे लग गया था यार नहीं हो पाएगा सिलेक्शन बिकॉज स्टार्टिंग का सब आंसर्स मैं नहीं दे पाया था करेक्टली एंड आई वाज लिटरली स्वेटिंग यार वो अच्छा इंप्रेशन नहीं गया था हाँ बाद के वाला क्वेश्चन जो पूछा वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया बता दू मैं मतलब वो एकदम टिप टॉप आंसर दिया मैंने क्योंकि भाई मॉड्यूल वॉड्यूल पढ़ के गए तो आया वो बट उस दिन रियलाइज हुआ एक चीज कि यार अगर एक कदम आगे रहना है तो इकोनॉमिक टाइम्स है और ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी बिकॉज उसके बिना मुझे ये प्रैक्टिकल नॉलेज तो आएगा नहीं और जब मैं क्लाइंट को फेस कर रहा हूं तो क्लाइंट तो प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ही मेरे को टेस्ट करेगा वो तो देखेगा नहीं हाँ भाई सी एसल्प कांस्टिया है इसको मॉड्यूल पूरा आता है इसको ये फर्स्ट अटेम्प्ट है ये सब तो कोई नहीं देखने वाला है वो तो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज टेस्ट करेगा और उस बेसिस पे हम लोग को क्लाइंट्स मिलेंगे सो दैट इज वेयर आई रियलाइज बॉस एक चीज अपने में मिसिंग है एंड दैट इज ये प्रैक्टिकल नॉलेज एंड ये इकोनॉमिक टाइम्स का नॉलेज एंड आज मैं आप लोग को बता दू वो टाइम पे मुझे जो फील हुआ है ना वो मैं आपको किसी को भी फील नहीं होने दूंगा एंड ट्रस्ट मी ड्यूरिंग द लेक्चर एक हैबिट दिलवा दूंगा जब तक आप सी ए बन जाओ कि कैसे इकोनॉमिक uh, टाइम्स को यूज करते हैं एंड कैसे एक्चुअली वो बराबर से पढ़ के वी कैन बिकम सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आपका हालत मेरा जो इंटरव्यू में हुआ था उतना बुरा नहीं होगा एनीवेज टाइम वेंट ऑन तीन दिन हो गए कोई कॉल नहीं फिर अब मैंने दूसरे इंटरव्यूज के लिए तैयारी करना चालू कर दिया और मेरे को समझ गया अब मुझे इंटरव्यू कैसे देना है एंड यू विल नॉट बिलीव सिक्सटीन ऑफ फेब्रुवरी को मुझे कॉल आया एंड दे कॉल्ड मी एन आस्क सर यू हैव बीन सिलेक्टेड सीनियर एच का कॉल आया सर यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू आई वॉज सो हैपी मतलब वापस से वही खुशी जो सीए बनने पे मिली थी ना आज ऑलमोस्ट वापस से वो खुशी फील होने लगी मैंने वापस पूरी तैयारी कर दी मैं बोला अब कुछ भी पूछने दे बॉस मेरे को जवाब देकर ही आना है नेक्स्ट राउंड आया नेक्स्ट राउंड बॉस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कुछ टेक्निकल नहीं पूछा और दो तीन इधर उधर के क्वेश्चन पूछे ही टोल्ड मी आई एम वेरी हैप्पी विद योर अप्रोच यू विल गेट सिलेक्टेड नेक्स्ट डे मुझे एचआर का कॉल आया और उसने बोला कि यस यू आर सिलेक्टेड और बीच में एक दो राउंड्स हुए थे पर ठीक है वो इतने चैलेंजिंग नहीं थे एंड जब मैं सिलेक्ट हो गया तो मेरा जो मैनेजर था पता है कौन था वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसने वो फर्स्ट तीन क्वेश्चन पूछ के मेरी बैंड बजाई थी मैं उसको इमिजिएटली जाके पूछा अब मेरा ना मेरे हाथ में लेटर ऑफ ऑफर आ गया था मैं ज्वाइनिंग कर चुका था तो मैं बोला आप तो निकालेंगे नहीं मैंने उस मैनेजर को जाके पूछा सर मेरा इतना खराब इंटरव्यू गया था फिर भी आपने मुझे क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने बोला जो फर्स्ट तीन क्वेश्चन थे ना वो तेरे को है ना आसमान से जमीन पे लाने के लिए ही लाए थे हमको पता था कि तू अभी थोड़ा क्लाउड नाइन पे है ऊपर है तो तू कुछ भी सैलरी मांगेगा तो तुझे भाई ये ये लेवल पे लाने के लिए we did all of this. हमको बता था तेरे को जवाब नहीं आएगा अरे अरे हम भी जब तेरे जितने फ्रेशर थे हमारे को भी ये सब चीजें थोड़ी बता दी एज अ फ्रेशर यू डोंग तो वी वर जस्ट वॉन्टेड टू ब्रिंग यू टू दिस लेवल इसके लिए हम लोग ने ये चीज किया था बट हाँ जब तूने टेक्निकल क्वेश्चन वो एनपीवी आई आर आर वाला पीजीबीपी वाला ए एस ट्वेंटी टू टैक्स वाला वो जब क्वेश्चन आंसर किया ना तब हमको समझ गया दैट यस yes, बंदे का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है दैट इज वन थिंग वर टेस्टिंग एंड दूसरा दे वर टेस्टिंग दैट यस टेक्निकली साउंड है कि नहीं इन द थिंग्स दैट ही तुमने पढ़ाई किया है बाकी सबका तो ट्रेनिंग हम लोग दे देंगे ना क्यों टेंशन लेता है मैं बोला वाह उन्होंने बोला सर बट आपको कैसे बता मैं इतना हवा में हूं तो उन्होंने बोला भाई हम लोग भी क्योंकि सास भी कभी बहुत ही हम लोग भी कभी तेरे लेवल पे थे हमने भी इंटरव्यूज दिया है हमको भी लगता था अरे हमारे को सब कुछ आता है हम दुनिया जीत लेंगे बट रियलिटी पे लाना पड़ता है मैं बोला वाह सर वाह क्या खेले हो आप लोग सो दैट आई विल आस्क फॉर अ डिसेंट सैलरी क्योंकि तब एक टाइम पे ऐसा लग गया था कि अब जो सैलरी तू देगा मैं ले लूंगा मतलब वैसा उन्होंने लेवल पे ले आया था they gave a decent salary which was very good and uh, finally yes i was selected and around 4 years maine waha pe kaam kiya and what a fantastic work experience but was wo ek experience jo main aap log ke sath share kar raha hu wo is reason ke liye kar raha hu ki please मेरी जैसी हालत आपकी ना हो जाए देखो मैंने जब मेरा इंटरव्यू दिया था ना जेपी Morgan में I still feel it was easier to get through because मेरे time पे Uh, इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट नहीं था मेरे टाइम पे इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था मेरे टाइम पे इतना लोग को एक्सपोजर नहीं था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसेट मैनेजमेंट का तो मैं ये आंसर्स नहीं दे पाया चल गया इट वाज एवरीथिंग इन द राइट फ्रेम बट आपको लगता है आप लोग आज के कॉम्पिटेटिव एन्वायरमेंट में ऐसा कर पाओगे क्या द आंसर इज नो तो क्यों ना अभी से अपन लोग आदत डाल रहे और ये इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे ना इकोनॉमिक टाइम्स में डेस के आपकी बातें भी होंगी फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल मार्केट की भी बातें होंगी आपके ऑडिट की भी बातें होंगी डी DT की भी बातें होंगी इनफैक्ट आपका जो पेपर सिक्स है ना मल्टी इंटीग्रेटेड बिजनेस केस स्टडी उस चैप्टर उस सब्जेक्ट को करने के लिए आपको डेफिनेटली यूज आने वाला है टू अ वेरी हाई एक्सटेंड दिस इकोनॉमिक टाइम्स का स्टडी यस yes. बिकॉज़ उधर इकोनॉमिक टाइम्स में तो एक जगह पे सारी चीजें इन्वॉल्व होती है एंड दैट इज वॉट वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आर लुकिंग फॉर इन दैट पेपर सो कैसे करना है सर हमारे को तो कुछ भी नहीं पता है क्या हमारे को इकोनॉमिक टाइम्स सब्सक्राइब करना पड़ेगा नॉट रिक्वायर्ड आज की तारीख में तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दी एर लेट्स कीप ऑन डिस्कसिंग दैट एज वेल गु यू से शुड वी कीप ऑन डिस्कसिंग दीज प्रैक्टिकल थिंग ऑल्सो डेफिनेटली जो भी आपका मॉड्यूल है आरटीपी एमटीपी एम वो तो बाई डिफॉल्ट करवाऊंगा ही फॉर्मूलाज है कैसे फॉर्मुला को डिराइव करना है दैट इज गोइंग टू बी द हार्ड कोर पार्ट बट क्या साथ साथ में थोड़ा आप लोग को मार्केट का नॉलेज इंडस्ट्री का नॉलेज ग्लोबली क्या चल रहा है उसका नॉलेज का भी डिस्कशन आप लोग को कनेक्ट करता रहूं मैं कुछ कुछ टॉपिक्स के साथ क्या बोलते हो जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा यस 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 गाइस डेफिनेटली डेफिनेटली देन आई विल डू इट एंड उसी से मजा भी आएगा पढ़ने में इंटरेस्ट भी बना रहेगा एंड एक फीलिंग भी आएगा दैट वी ऑल आर ऑन द राइट ट्रैक गाइस चलो डन डन सब लोग की तरफ से एक पॉजिटिव यस oh. yes, आ चुका है एंड डेफिनेटली वी विल वांट टू डू दैट चलो सो ऑन दैट नोट अब आप लोग के सामने यही एक बंदा जो जिसने एग्जाम्स क्लियर किए राइट टाइम पे फिर जेपी मॉगन में मैंने जो चार साल काम किया है इन द होल फाइनेंस इंडस्ट्री वो एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ टाइम टू टाइम शेयर करूंगा एंड इट इट गेव मी डिफरेंट एक्सपोजर ऑल टूगेदर मजा आ गया एंड हाउ इट वर्क सो वैसा सीन है अब आ जाते हैं अपने इस सब्जेक्ट के ऊपर तो मैं क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ाना अब चालू कर दिया क्यों मेरे को इस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट है सो so, मैंने काम ही यही किया है ठीक है आई वॉज इन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड विच इज कंसल्टिंग बेसिकली जो कॉस्टिंग में ओ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो आप लोग का सब्जेक्ट है सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल का वो एक मैंने हार्ड कोर एक्सपीरियंस लिया मेरे जेपी मॉर्गन में एंड सेकेंड एक्सपीरियंस जो मैंने लिया वो है फाइनेंशियल मार्केट्स का ग्लोबली जेपी मॉर्गन के जितने भी फंड्स थे उस फंड्स को कहां पे इन्वेस्ट करना है उस फंड्स को कैसे यूज करना है वो एनालिसिस इज व्हाट आई यूज टू डू इन माय एक्सपीरियंस विद जेपी मॉर्गन जी हां सो so, वो सब चीज मैंने फिर uh, किया है प्रैक्टिकली एंड दैट इज व्हाट आई विल बी शेयरिंग विद ईच वन ऑफ गाइस चलो टाइम फॉर मी टू बिगिन द सेशन ऑन ए एफ एम बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज लिया इस सब्जेक्ट का बहुत थियोरेटिकली भी पढ़ा चुका हूं मैं एंड अब एक नया बैच एक नया बिगनिंग एक नया सिलेबस के साथ आप लोग को करवाने वाला हूं मैं ये सब्जेक्ट क्या बोलता है पब्लिक आई वालेडीज गेट स्टार्टेड सो फर्स्ट इनिशियल दो तीन लेक्चर आई विल कीप इट लाइट ठीक है वी नहीं रखूंगा मैं थोड़ा थोड़ा रखेंगे थोड़ा वन एंड हाफ टू आवर्स का धीरे धीरे एज यू गेट यूज टू दब्जेक्ट जैसे जैसे आप लोग को इंटरेस्ट आना चालू होगा द दस विल इंक्रीज एंड इवेंचुअली अपना जो नेट uh, वो है दैट वी विल बी कंडक्टिंग फॉर थ्री आवर्स एंड बीच में टेन मिनट्स का एक ब्रेक रहेगा सो से मॉर्निंग सेवन ओ वी स्टार्ट एट ट्वेंटी को एक ब्रेक ले लिया एट ट्वेंटी फाइव को एक ब्रेक ले लिया देन एट थर्टी फाइव टू टेन ओ अगेन देन यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस काफी सारे आप लोग के फ्रेंड है जिनको ज्वाइन करना है इनकेस दे वॉन्ट टू ज्वाइन द न्यू लाइफ बैच देन यू कैन टेल देट अभी इनिशियल दो तीन लेक्चर तो इंट्रोडक्टरी है सो दे कैन ज्वाइन नाउ सो दैट जब मेरा चैप्टर स्टार्ट you know, हो एट दैट पॉइंट इन टाइम दे कैन गेट स्टार्टेड विद चैप्टर ठीक है अब क्या एग्जैक्टली exactly है इस सब्जेक्ट में जिसका नाम है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैंने आप लोग को मेरे बारे में इसलिए बताया बिकॉज आने वाले तीन महीने अपन साथ में है, तो अगर अपन तीन महीने आप ऐसे इंसान के साथ हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए दैट वॉट बैकग्राउंड ही कम्स फ्रॉम एम एवआर राइट यस एंड एट द सेम टाइम मैं आप लोग को भी बोलूंगा दैट वेन यू आर स्टडिंग फॉर दिस सब्जेक्ट डोंट कीप यर सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू बुकेश नॉलेज जो आप लोग को एक्सपीरियंस चाहिए जो फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज चाहिए यू जस्ट हैव टू टू लेट मी नो एंड आई विल डिलीवर इट यू मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं कभी भी फ्यूचर में आप लोग को कभी भी कोई तकलीफ हो यू ऑल हैव टू डू इज जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप टू मी ऑन दिस नंबर ठीक है खाली मेरे को यह व्हाट्सएप कर देना आप लोग प्लीज एक काम कर देना जब भी आप व्हाट्सएप करो एटलीस्ट फर्स्ट टाइम शेयर योर नेम लोकेशन एंड एक चीज साथ में लिख देना रेडी टू रॉक द ए एफ एम बैच यस सो दैट मुझे याद आ जाएगा यस yes. ये मेरा स्टूडेंट है एंड ये है तो डू दिस इवन द गूगल ड्राइव स्टूडेंट आप लोग को भी ये करना है प्लीज रेडी टू रॉक द एफ एम सब्जेक्ट जी हां विद एटी प्लस ज वॉट यू विल डू यू हे टू शेयर यूर नेम लोकेशन मैं क्यों बोल रहा हूँ so पूछो तो मुझे याद आ जाए माई स्टूडेंट एंड इसके साथ हम लोग बात हो चुका है और फ्यूचर में कभी भी कोई भी तकलीफ हो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो देखो यूजअली मैं बहुत बिजी रहता हूं तो हो सकता है आपको इमीजिएटली व्हाट्सएप का रिप्लाई ना मिले बट डेफिनेटली मिलेगा यू डो अगर कभी ऊपर नीचे हो जाए तो यू कैन सेंड मी अ रिमाइंडर ऑल्सो but i will definitely acknowledge it and i will give you the answers so just send me name location and ready to rock the afm subject with 80 plus this is the promise that you are making to me and promise promise may deliver karvaonga at the day of your results Aap yaad baat ko. Chalo. so now with this confidence with this positivity let's try and understand this subject in totality इन डिटेल तो क्या है एग्जैक्टली इस सब्जेक्ट में एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रीवियसली इट ड्यूज टू बी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया फ्रेंकली स्पीकिंग कोई फर्क है ही नहीं सब सेम ही रखा है उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है ए एफ एम क्या है ये एफ एम सो क्या है आप लोग के इस सब्जेक्ट का पोर्शन पहले वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट योर पेपर दिस इज पेपर टू ऑफ योर सी ए फाइनल दिस विल बी फॉर हंड्रेड मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन आईसीआई हिस्ट्री अ सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट केडर या एफ एम से रिलेटेड सब्जेक्ट है दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी ऑफ सेवेंटी मार्क्स जैसा लोग टिपिकल लिखते हैं बट द कैच इज थर्टी मार्क्स एम सी क्यूज एंड लेटमी टेल यू ये सबसे इंपॉर्टेंट थर्टी मार्क्स होने वाला है तो इसको कैसे करना है टैकल यह भी आपको लेक्चर में ही बताऊंगा बट सी एंड ऑफ द डे एम सी क्यू आए या डिस्क्रिप्टिव प्लस यू नो ये दिस बेसिकलीस्क्रिप्टिव पार्ट तो एम सी क्यू आए या डिस्क्रिप्टिव आए एक बात हमेशा याद रखना आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे प्रैक्टिस किया होगा देन इन दैट केस फिर कोई भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगा एट ऑल सो दिस इज हाउ योर पेपर इज सब डिवाइडेड सेवेंटी मार्क्स विल बी डिस्क्रिप्टिव एंड थर्टी मार्क्स विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है न पोर्शन ठीक है पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट की तरफ से जब आता है तो एट दैट पॉइंट इन टाइम इट इज यूजली ट्वेंटी मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी ठीक है ट्वेंटी मार्क्स सॉरी तो कई अभी ये लोग क्या करते हैं पैटर्न में प्ले करते हैं तो वो लोग को सेवेंटी मार्क्स जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें वो लोग कई बार फिफ्टीन टू ट्वेंटी मार्क्स कंपल्सरी रखेंगे एंड बाकी का है उसमें सिर्फ चूज करने का अपने को और एनी फोर अपने को अटेम्प्ट करना है बट लेट्स नॉट बी फोकस्ड ऑन दैट जो भी क्वेश्चन आने वाला है वी हैव टू बी प्रिपेर फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट ओके गाइज तो चलो आप समझने की कोशिश करते हैं इन डेप दैट व्हाट एक्सैक्टली आर वी गोइंग टू डू वॉट एक्सैक्टली आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिसको डिवाइड किया है एनी गर्टिकुलर सब्जेक्ट में है अपने पास सो दिस इज डिवाइडेड इन टू फिफ्टीन टॉपिक्स एंड मैंने इसको डिवाइड किया है इस सब्जेक्ट को डिवाइड किया है इन टू गाइज फोर फेजेस मैंने इस सब्जेक्ट को डिवाइड किया है इन टू फोर फेजेस फेज वन फेज टू जी हा ठीक है फेज थ्री एंड फेज फोर ठीक है ये चार पार्ट्स में डिवाइडेड है मेरा ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के लिए टोटल पंद्रह टॉपिक्स है मेरे इस फेज में भी पंद्रह के पंद्रह टॉपिक आ जाएंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बट मैंने इसको क्यों फेज वाइज डिवाइड किया है क्योंकि मैं आपको इसका जो पूरे सब्जेक्ट का स्टडी है वो ये फेज के हिसाब से करवाऊंगा एंड अपने को एग्जाम भी इस फेज के हिसाब से ही पढ़ाई करके देना है और मैं आपको एक बात बताऊ फेज वन फेज टू फेज थ्री फेज फोर को मैंने ऐसे क्यों डिवाइड किया है क्योंकि आपके एग्जाम में फेज वन में से आने वाला है अप्रोक्सीमेटली थर्टी मार्क्स फेज टू में से आने वाला है थर्टी मार्क्स फेज थ्री में से आने वाला है थर्टी मार्क्स एंड फेज फोर में से आने वाला है थर्टी मार्क्स ये मैंने बहुत systematically एंड लॉजिकली इस पूरे सब्जेक्ट को इस चार फेज में डिवाइड किया है ensure दैट यू आर ऑल्सो फॉलोइंग दिस फेज फॉर योर स्टडी पर्पज वो तो भाई डिफॉल्ट में वैसे ही पढ़ाऊंगा भी आपको तो आप भी उसी तरह से करोगे और आपको भी बर्डन नहीं लगेगा आपको भी लगेगा हाँ भाई चार फेज है चलो एक फेज हुआ थर्टी मार्क्स सिक्योर

जो अपना फोकस एंड ऑब्जेक्टिव है वी विल बी एबल टू रीच टू दिस यस, यू हर दैट राइट आओ पढ़ने की कोशिश करते हैं सबसे पहला फेज वन एंड दैट इज फॉर थर्टी मार्क्स तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे द फर्स्ट थिंग द फर्स्ट टॉपिक्स दैट आर गोइंग टू बी कवर्ड इन योर फेज वन इज जी हाँ म्यूचुअल फंड्स Which is chapter number 8 as per icai theek hai ठीक है kar इतना वो नहीं padta है Next, portfolio management and third, valuation of security। दो मिनट मुझे पूरा लिख लेने देना फिर तुम लोग को मैं सब कुछ लिखने का टाइम दूंगा ठीक है जो भी मैंने लिखा है सब लिखने का टाइम होगा अभी फिलहाल फोकस एवरीबॉडी हियर सेकेंड फेज पे आते हैं समथिंग अबाउट माय सेकेंड फेज ठीक है सेकेंड फेज सेकेंड फेस के ऊपर आते हैं अपन लोग सेकेंड फेस फेज इज अबाउट दिस फॉरेक्स वर्ल्ड फेमस क्या Forex, और ये तो बॉस मेरा फोर्टे है मतलब कई स्टूडेंट्स कई बार कोई और प्रोफेसर का भी ले लिया हो फॉरेक्स तो वो मेरा ही आके लेगा फॉरेक्स तो वो मेरे से ही समझ पाएगा यस दैट इज द कॉन्फिडेंस दैट इज देयर फॉर दिस टॉपिक

इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट देन आता है मेरा फेज थ्री देन आता है मेरा फेज थ्री फेज थ्री में आता है आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एंड लेडीज एंड जेंटलमैन द न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस्ड बाय आईसीआई इन एफएम दैट इज एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सर ये तो सब्जेक्ट का नाम है अरे यार इतना एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल लिया है कि अब दिमाग में वही आ रहा है एडवांस कैपिटल बजटिंग एडवांस कैपिटल बजटिंग एंड लास्ट फेज में है विच इज अ फुल्ली थ्योरी ओरिएंटेड फेज यू कैन से सो वो फेज में आ जाते हैं मेरे सेम सो वन टू थ्री फोर एट इलेवन सो जो बाकी के टॉपिक्स है वो मैं यहां पे लिख देंगे एंड फर्स्ट इज फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉरपोरेट डिसीजंस फिन पॉलिसी फिन एंड कॉरपोरेट पॉलिसी ठीक है फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट ठीक है फिर बाद में आता है मेरा थर्ड टॉपिक एंड दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस ठीक है, फिर आता है मेरा फोर्थ टॉपिक एंड दैट इज स्टार्टअप फाइनेंस एंड लास्ट सिक्योरिटाइजेशन जी हाँ सिक्योरिटाइजेशन दिस इज हाउ होल सब्जेक्ट मैंने बहुत स्मार्टली इसको डिवाइड किया है बहुत स्मार्टली इसको मैंने डिवाइड किया है ये चीज आप लोग को देखना कुछ टाइम बाद रियलाइज होगी दैट हाउ इम्पोर्टेंट दिस डिविजन इज गोइंग टू बी जब आप स्टडीज अपना स्टार्ट करोगे ठीक है गाइस और इसको प्यार से बिजनेस वैल्यूएशन भी इंस्टीट्यूट बोलता है सो बिजनेस कॉर्पोरेट वन इन द सेम थिंग बिजनेस वैल्यूएशन सो दिस इज़ हाउ द होल सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन क्या बोलता है पब्लिक ऑल एक्साइटेड फॉर द न्यू फेज ऑफ लाइफ चलो फटाफट आप लोग लिख लेंगे ये चीजें पहला आप मुझे व्हाट्सएप कर लेंगे लिखने की जरूरत नहीं है यहां से स्टार्ट करो जैसे आप डन बोलोगे मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगा और फिर मैं कुछ और आगे की चीजें आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूंगा प्लीज राइट इट डाउन एवरी प्लीज चलो 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 यस चेंज लग रहा है मैं तो बोल रहा हूं ये ये ना अभी अपने दिमाग में सेट कर लो लाइफ में ठीक है दीज आर द फोर फेजेस विच आर गोइंग टू मेक यू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट याद रखना एक भी सब्जेक्ट ऊपर नीचे हुआ चलेगा ये सब्जेक्ट में अगर 80 प्लस आ गया ना पूरा ग्रुप पूरा सीए दोनों ग्रुप आपको दिस सब्जेक्ट विल सेल थ्रू आराम से ठीक है So, मतलब ऐसा डीपी बना लो ये तो मैं तो आज मेरा डीपी रखने वाला हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मेरा status है सॉरी डीपी तो नहीं पर स्टेटस मेरे लिए आज मेरा यही बनने वाला है यस दिस इज नाउ मतलब बोलते ना न्यू बैच न्यू फेज न्यू बिगनिंग मैं इसका पिक ले रहा हूँ ये मेरा स्टेटस है ठीक है तुम लोग मेरा नंबर सेव करके तुम लोग भी वो करना चलो यस लाइव गूगल ड्राइव जो भी हो भाई सबका ये स्टेटस है तुम लोग ऐसा फोटो ले लो भाव रही अच्छा आ रहा है है ना ओके चलो लाइट द गेम बिगिन नाउ गाइस अब अपने को ये समझ में आ गया है कि क्या अपना ये पूरा पोर्शन है जैसा मैंने बोला था इनिशियल एक दो आई कीप इट तो अपने को पता होना चाहिए क्या क्या पोर्शन में वो अपने को वाला है अब क्या कितने मार्क्स के लिए आता है तो वो भी मैंने इधर लिख दिया आइडिया ली थर्टी मार्क्स थर्टी मार्क्स थर्टी मार्क्स थर्टी मार्क्स सर आप भी हमारा नंबर सेव कर लो तभी हमें भी स्टेटस दिखेगा बट तो तुम लोग मुझे पहले ये भेजो तुम्हारा नेम लोकेशन व्हाट्सएप करो तो मैं तुम्हारा नंबर सेव करूंगा ना तो फिर बाद में मैं भी तुम लोग का नंबर सेव कर लूंगा तो हाँ ये अच्छा आइडिया दिया रिंकी तो मेरे को तुम लोग का स्टेटस दिखेगा चलो गुड डन सो गाइज ड्रॉप मी दिस व्हाट्सएप इवन इफ यूर ए गूगल ड्राइव स्टूडेंट कभी भी चालू कर रहे हो आप ये व्हाट्सएप ड्रॉप करो और मुझे इस स्टेटस का एक स्क्रीन शॉट भेजना यस आई विल ऑल्सो शेयर इट विद विद मी ये अच्छा आइडिया नंबर भी सेव कर लूंगा सो दैट वेन यू आर आस्किंग मी डाउट्स तो मुझे ध्यान में रहे हो okay, कि रिंकी शर्मा ने डाउट पूछा है ये तो अपनी बंदी है वैसा ओके सो so, अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे ये मैंने बनाया था क्या क्या उन्होंने इंटरनली कुछ चीजें ऐड की है वो सब तो ये तो खैर आप लोगों को सब पढ़ना ही है सो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी माय कंटेंट कवरेज सर आप क्या क्या करवाओगे वो बताओ सो so नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट आई एम गोइंग तो टू टेल ऑल दैट सबसे पहले आईसीएआई मॉड्यूल विच इज आर गीता बाइबल कुरान दैट इज गोइंग टू बी हंड्रेड परसेंट कवर्ड इनफैक्ट मैं यहां पे जो भी लिख रहा हूँ वाई डिफॉल्ट हंड्रेड परसेंट कवर्ड ही होगा ठीक है ना आईसीआई मॉड्यूल कौन सा वाला ऑब्वियसली न्यू वाला ठीक है क्यों पता है ओल्ड और न्यू का आईसीआई मॉड्यूल सेम है डिटो डिटो कॉपी कॉपी सेम है ठीक तो है न्यू वाला लिखो नहीं लिखो वो है अब और मेरे को साथ में क्या करवाना है पास्ट पेपर्स बट अब न्यू सिलेबस के बहुत ज्यादा पास्ट पेपर्स तो अवेलेबल नहीं है तो यस yes, जो पहले अपने अवेलेबल थे वो पास्ट पेपर्स पे से आर एमटीपी के सारे सारे क्वेश्चन ठीक है प्लस फ्यू फ्यू ये टॉप सीक्रेट आपके और मेरे बीच में ही रहना चाहिए सी एफ ए लेवल क्वेश्चन ठीक है ये सब लोग नहीं करवाएंगे ये आप और मेरे बीच में रहना चाहिए जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर में बोल रहा था ना ये उधर आपको यहां पे मैं यूज करने वाला हूं समझे क्या वैसा सो सी एफ ए लेवल क्वेश्चन भी मैं थोड़े करवाऊंगा सो दैट वी आर प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग बेसिकली ठीक है मेजोरिटी पेपर देखो आने वाला कहां से है ये चार चीज में से बट अपने पास थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रहे तो कोई बुरा नहीं है अच्छा ही है, है कि नहीं दिस इज गोइंग टू बी माय हंड्रेड परसेंट कवरेज दिस इज गोइंग टू बी माय हंड्रेड परसेंट कवरेज ओके सो इसमें सब चीजें आ गई इसके बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट अटेंड माय लेक्चर्स अटेंड माय सेशंस एंड हो गया डन फिर बाद में होंगे कुछ तुम्हारे टेस्ट फिर बाद में होंगे तुम्हारे टेस्ट टेस्ट को अपन डिवाइड करेंगे कुछ इस प्रकार से फेज वन फेज टू ठीक है फेज थ्री फेज फोर अब कौन से फेज में क्या आता है वो आपको पता है मेरा टीचिंग पैटर्न भी यही रहने वाला है तो मैं पहले से फॉर एग्जाम्पल फेज वन करवा दूंगा फिर फेज टू फेज थ्री फेज फोर तो इस हिसाब से ही होगा तो ये चार टेस्ट होंगे एंड आपके बाद होगा फुल सिलेबस टेस्ट ठीक है प्लीज ये दोनों चीजें भी लिख लो फटाफट लिख लो ये आपका कंटेंट कवरेज और उसके बाद वो टेस्ट चलो गाइस डन चल नाउ आप लोग को अब मैं बता देता हूं आप लोग के बुक के बारे में आपके ऑप्टिमाइज्ड बुक के बारे में जो अपन लोग जिसमें से पढ़ने वाले हैं आप लोग एक्साइटेड हैं इस बुक से पढ़ने के लिए होने भी चाहिए मेरे पास एक शायद पुराना वाला ये है ये ये रह, ये देखो रह, रहा रहा ये देखो तो कैसे बुक को डिवाइड किया गया है मैं आपको बताता हूं देखो सबसे पहले सबसे पहले आप लोग को जो फर्स्ट पेज होता है ना उसपे आप लोग को मिलेगा कुछ कोटेशन उसको आपको उसपे आपको मिलेगा कि एग्जाम का कितना मार्क्स है ये मेरा थोड़ा पुराना पीडीएफ है बट uh, आप लोग के पास जो आएगा सो so, उस उसपे आप लोग को मिलेगा कि पास्ट पेपर में देखो कितने मार्क्स आए हुए ठीक है ऑब्वियसली न्यू सिलेबस के अलावा जो उसके पहले जो अटेम्प्ट हुए हैं तो वॉट आई हैव इज ट्रेंड एनालिसिस ऑफ पास्ट तो क्या क्या आपको इस इस बुक में मिलने वाला है वो मैं आपको सब बता रहा हूं सो so, ये है बुक ऑफ एस एफ एम ऑप्टिमाइज ठीक है सो क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है पास्ट पेपर ट्रेंड्स दूसरा इसके बाद व्हेन वी मूव ऑन आपको यहां पे कुछ दिखेगा समथिंग कॉल्ड एज अ स्टडी मेंटर ये स्टडी मेंटर के वजह से ही मैं बोल रहा हूं आपको कि आप 80 प्लस क्रॉस कर पाओगे क्यों बिकॉज ये देखो ये स्टडी मेंटर देखो कि आपको क्या बताता है ये स्टडी मेंटर आपको बताता है दैट कितनी बार आपका पढ़के हुआ है सो दिस स्टडी मेंटर हैज ऑल द थिंग्स जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज है वो सब कुछ इस स्टडी मेंटर में मैंने पुट अप कर दी है अब यूजुअली एक स्टूडेंट का आदत होता है कि वो जो भी उसने पढ़ा है कॉन्सेप्ट वो खुद से लिख के बना देता है वो कॉन्सेप्ट उधर लिख के खुद लिख देता है वो चीज आपको करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज नाउ रेडिली अवेलेबल विद यू जैसे ही आपका कोई पार्ट हो गया ऑल यू हैव टू डू इज पुट अ टिक मार्क दो बार हो गया पुट अ टिक मार्क ट्वाइस अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पास करना है तो तीन मार्क। इफ यू वॉन्ट टू गेट अ रैंक बिटवीन 11 टू फिफ्टी चार मार्क। इफ यू टू गेट अ रैंक बिटवीन 1 टू हैज़ टू बी फाइव टिक मार्क्स। और अगर मैं आपको बोल रहा हूं रैंक वन टू टेन बेसिकली आई एम दैट डेफिनेटली इस सब्जेक्ट में आपको एट्टी प्लस मिलने ही वाला है एम आई राइट यस एम आई आई एम सो That's how the whole system works, तो जैसे आपका जो भी से फॉर एग्जाम्पल मैं जब करवा रहा हूं मेरा क्वेश्चन थर्टीन करवा के हो गया अपना ये फर्स्ट टिक आ जाएगा फिर जब आप खुद से रिवाइज करोगे आपका सेकेंड टिक से आप दो तीन महीने बाद वापस रिवाइज करोगे थर्ड टिक समझ में आई बात एवरी वन ठीक है से फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन ऑफ ई पेबल टिक मक जैसे जैसे हो गया सो so, इधर जितने भी अपने क्वेश्चन है उस तो सारे के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिए है सो so, जो जो अपने क्लासरूम में होते जाएंगे जैसे जैसे वो ही सब यहाँ पे आपको दिखते जाएंगे दूसरा मैंने क्या किया पता है क्या आपके जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं वो सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन मैंने एज इट इज विद द सेम सीक्वेंस ले लिया है सो so दैट जब आप मॉड्यूल खोलो तो आपको एक अपनापन लगे आपको लगे अरे यार ये तो मेरा ही बुक है यार ये तो मेरा ही बुक है और वो मॉड्यूल आप वापस से बंद करके साइड पे रख दो ठीक है क्यों क्योंकि अपने पास एक ही बुक अपने को रिफर करना है ठीक है देर आर टू ऑप्शन डू वन बुक मल्टीपल टाइम्स और डू मल्टीपल बुक्स वन टाइम क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए डू वन बुक मल्टीपल टाइम्स समझे ठीक है सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क ऑल द मॉड्यूल क्वेश्चन सो आइडियली मॉड्यूल मैन आईसीआई ने सिस्टमेटिकली अरेज नहीं किया है क्वेश्चन एंड आंसर तो मैंने भी नहीं किया है मैंने भी ई के मॉड्यूल के हिसाब से ही रखा है सो so, में अगर कोई क्वेश्चन नंबर थ्री है आपको मेरे में भी में भी इसमें वही सीक्वेंस मिलेगा ऑलमोस्ट सो so, मेरा जो आईसीआई का सीक्वेंस है दैट इज टॉपिक सेम 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 सीक्वेंस जो आईसीआई ने रखा है वही सेम सीक्वेंस मैंने भी रखा है वो सीक्वेंस के बाद अच्छा अच्छा उसके पहले प्रीव्यू तो स्टडी मेंटर क्या होता है आपको समझ में आ गया स्टडी मेंटर इज बेसिकली योर फ्रेंड फिलोसॉफर योर गाइड यू विल कीप ऑन टेलिंग यू बॉस कमॉन वेकअप दो ही टिक्स क्यू अपन लोग अपना जब ये घड़ी बनाते हैं तो घड़ी में वाले में जब अपना फिटनेस अपन लोग ट्रैक करते हैं तो ट्रैकर होता है फिटनेस ट्रैकर होता है कि नहीं होता है वो फिटनेस ट्रैकर वैसे ही आपका ये स्टडी ट्रैकर है बेसा बेटा ये आपका फिटनेस ट्रैकर है वैसे ये स्टडी ट्रैकर है फिटनेस ट्रैकर के जैसा ये आपके इट इट ओके उसके बाद ठीक है डन पेपर ट्रेंड्स आ आ गया आ गया स्टडी अब इसके बाद चीज़ प्रीव्यू पता तो हो इस चैप्टर में ओवरऑल पढ़ना क्या है तो इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड एक म्यूचुअल फंड कैसे एस्टेब्लिश होता है क्या क्या स्कीम्स होती है म्यूचुअल फंड की ऑप्शंस क्या है बेनिफिट्स क्या है ड्रॉबैक क्या है शॉर्ट में प्रीव्यू में फॉर्मूलाज जो अपन लोग यूज करने वाला है ऑल ऑफ दैट एट वन प्लेस ऑल ऑफ दैट एट वन प्लेस गॉट इट गाइस डन नेक्स्ट प्रीव्यू के बाद प्रीव्यू के बाद में आपको मिलेगा मेन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ चीजें फिर थ्योरी सो कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी प्लस एग्जाम्पल्स जी हां आपको कोई चीज समझाना है उसके लिए मैंने थ्योरी भी लिया है एग्जाम्पल्स भी लिया है यस एंड देन 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 एंड देन फिर बाद में ये हो गया उसके बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ठीक है इस प्रीव्यू में Formulas. जी हाँ फॉर्मूलाज इंक्लूडेड फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कवरेज मॉड्यूल प्लस आरटीपी प्लस पास्ट पेपर्स और मैंने क्या किया है ये पास्ट पेपर्स और आरटीपी को लास्ट में रखा है स्पेसिफिकली सो दैट अपना एक बार पूरा मॉड्यूल हो जाए कुछ मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चंस मेरे को करवाने वो हो जाए उसके बाद आप अलग से मॉड्यूल आरटीपी के क्वेश्चंस कर सकते हो सो दैट यू आल्सो नो कि मॉड्यूल आरटीपी में क्या आया था आरटीपी पास्ट पेपर में क्या क्या आया था लोलटमी सी uh, यहाँ पे दिख जाएगा ये रहा ये देखो पास्ट पेपर क्वेश्चन सो आपको है ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है ये मेरे को करना है ये मेरा पास्ट पेपर का क्वेश्चन है ये मेरे को करना है ठीक है ना एक साथ सब पास पेपर का जितना भी क्वेश्चन एक साथ आपको एक जगह पे मिल गया एक साथ एक जगह पे आपको मिल गया नो हाउ एंड आर एंड आरटीपी ऑल्सो सो दिस इज हाउ आई हैव द होल ऑप्टिमाइज बुक अब आप मेरे को बताओ क्या इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत है नहीं ये तो मैं पूरा क्लास में करवाने वाला हूं आप लोग भी करोगे एग्जाम भी इसी से आएगा देन इन दैट केस अपना कोई मार्क्स भी कट होने का सवालिज पैदा नहीं होता लास्ट में आप लोग क्या सर तो अच्छा अच्छा आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर एमसीक्यू वो सब कैसे करेंगे सो विद द फ्लो वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल सो यहां पे अपन लोग एक और चीज डाल देते हैं एंड दैट इज एमसीक्यूज एमसीक्यूज ओके ओके एंड देन फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर एंड क्या है ये मेरा नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज द मैजिक दैट इज गोइंग टू हैपन विद ईच वन ऑफ यू सो ये होगा मेरा एक समरी बुक जो मेरे एग्जाम टाइम प्रेपरेशन के लिए काम आने वाला है इस समरी बुक का मैं रिवीजन वीडियोस भी बनाऊंगा और यूट्यूब पे डालूंगा इस समरी का मैं रिवीजन वीडियोस भी यूट्यूब पे बना के डालूंगा ठीक है गाइस सो so ये सारी चीजें अब अपने को पढ़नी है अब अपने को करनी है एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर ऑल ऑफ दिस क्या बोलता है पब्लिक चलो फटाफट ये लिख लो एक बार ताकि आपको भी पता रहे कि वॉट ऑल इज गोइंग टू बी कवर्ड इन योर बुक प्लीज राइट इट डाउन कम ऑन एवरी वन प्लीज चल नेक्स्ट ऑल्सो uh, इसी के साथ आप लोग को मैं बता दू आप लोग सब लोग को गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा ठीक है उस गूगल ड्राइव लिंक में मैं क्या अप करने वाला हूं वो भी बता देता हूं ठीक है एवरी डे गूगल ड्राइव लिंक पे लेक्चर्स विल बी अपलोडेड दैट इज ऑब्वियस मैं जो भी ये नोट्स लिखवा रहा हूं ना हैंड रिटन नोट्स दैट ऑल्सो विल बी अपलोडेड इन गूगल ड्राइव व द हेंड रिटन नोट्स एज वेल ओके सो हैंड रिटर्न नोट्स अपलोड करवा दूंगा एट द सेम टाइम एक एक्सेल भी बना देंगे अपन इस एक्सेल में वी विल ऑल्सो राइट डाउन द एवरीथिंग कौन सा चैप्टर चल रहा है कौन सा अपन लोग ने टॉपिक किया उसमें अपना कौन सा कंटेंट चल रहा है बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है कौन सा क्वेश्चन किया ड्यूरेशन सो so, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी ठीक है सो यू हैव ऑल द थिंग्स एट वन प्लेस इसके बाद आपको और फिर बाद में रिफर करने की कुछ भी जरूरत नहीं तो आपके पास हैंड रिटेन नोट्स तो अभी मैं जैसे आज जो ये जो ये है ना मैंने ये भी मैं अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव का लिंक आप लोग को मिल जाएगा बहुत जल्द एंड अगर आप गूगल ड्राइव वाले ही है देन इन दैट केस यू विल फाइंड ऑल ऑफ डिफॉल्ट सो तो लेक्चर अपलोडेड होगा हैंड हैंडेन नोट्स होंगे एक एक्सेल शीट होगा उस एक्सेल शीट में शेड्यूल होगा तो शेड्यूल ऑफ एक्सेल अपन लोग लिख सकते हैं सो शेड्यूल का एक एक्सेल होगा ठीक है शेड्यूल में क्या क्या होगा चैप्टर कॉन्सेप्ट ड्यूरेशन सो दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू हैव ठीक है क्या आप लोग एक्साइटेड हैं अब इस इस सब्जेक्ट के लिए आई यू ऑल चेयर मेरे पास अभी तक एक भी व्हाट्सएप आया नहीं है दैट यस सर आई वॉन्ट टू स्कोर एटी प्लस वॉट आर यू वेटिंग फॉर इन इन आ गया आगे आ गया मेघना मेघना हैज ऑलरेडी वॉट्स मी मेघना फ्रॉम केरला थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग चलो ग्रेट सो टाइम फॉर अस टू रॉक द डेट फ्रॉम टुमारो कल मैं आप लोग को एक ग्लोबल परस्पेक्टिव समझाऊंगा हाउ डू अ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट इज लिंक्ड टू द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट फॉर दैट मैटर कैसे एक इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इकोनॉमिकली uh, चीजें चलती है एंड प्रॉबली उसके नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर एंड दैट बेसिकली इज म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड ऑलरेडी एंड ऑल सेट टू बिगिन द सेशन फ्रॉम टूमोरो यस सर सो आज का सेशन शॉर्ट एंड स्वीट कल का भी सेशन ऑलमोस्ट ऐसा ही इतने ही टाइम का होगा शॉर्ट एंड स्वीट बट उसके बाद जब मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट करूंगा दैट इज वेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्लेजेड सेशन एज ठीक है तब तक एक दो दिन अपन लोग वार्म अप हो जाएंगे ठीक है वील ऑल्सो गेट यूज टूच अदर एक तरीका समझ जाएगा ऑल्सो मी टेल यू फ्यू मोर थिंग्स ठीक है सो एक आप लोग भी प्लीज अब से एवरी डे बेसिस पे स्टार्ट करो क्या इकोनॉमिक टाइम्स रीड करना वी शुड ऑल्सो बी डिस्कसिंग इकोनॉमिक टाइम्स इन आर डेली लेक्चर्स गाइड्स

टू बकल ऑफ द शूज अब तक शायद आप लोग ने फॉर्मूलाज को लर्न किया होगा अब वो तरीका अब वो एटीट्यूड अब वो अप्रोच इज गोइंग टू टोटली चेंज एंड नावर ऑल द कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मुलाज को डिराइव करता हूं मैं इसको प्रैक्टिकल मार्केट के साथ कनेक्ट करता हूं एंड ट्रस्ट मी इट इज अ फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट वेन वी विल बी डूइंग दिस और एक बार फॉर्मूलाज डिराइव हो गया You don't have to re learn anything automatically, you will be able to remember it by yourself. And most important, last thing is regularly revision. So, I will regularly revise you whatever has been done in the past session. We will first revise and then we will move on. And next is homeworks.

और उसके बाद म्यूचुअल फंड्स न्यू चैप्टर न्यू सेशन डे आफ्टर ओके गाइस यस यस एनी क्वेश्चंस एनीथिंग प्लीज लेट मी नो नो सर वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट एस आई टोल्ड इन केस एनी ऑफ योर फ्रेंड इज प्लानिंग टू जॉइन द बैच यू दे हैव वन टू डेज दे कैन यू नो ज्वाइन इन अभी एक दो दिन तो ऐसा इनिशियल इंट्रो का ही जाएगा